हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IPU CET 2020 एडमिट कार्ड के बारे में। IPU CET का जो एडमिट कार्ड है 2020 का, वो रिलीज हो चुका है गाइस। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से आप जो IPU CET 2020 का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, उसकी ऑफिशियल लिंक आपको कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि अगर IPU CET का कोई भी नया अपडेट या न्यूज़ आती है उसके रिगार्डिंग, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं IPU CET एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के प्रोसीजर को। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउजर पे जो है google.com ओपन करना होगा, और google.com ओपन करते ही आपको वहाँ पे सर्च करना है IPU CET एडमिट कार्ड 2020, और आगे लिखना होगा cet.co.in। अब आप लोगों का cet.co.in लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी गाइस, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ से आप सिंपली एक क्लिक से अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे आप इसे गूगल में सर्च करेंगे तो जो सबसे पहला रिजल्ट आपके सामने आपको गूगल में दिखाई दे रहा है, आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उस पर क्लिक करते आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे ऊपर आप हेडिंग में ही देख सकते हैं लिखा हुआ IPU CET एडमिट कार्ड 2020 और ब्रैकेट में अवेलेबल लिखा हुआ है, यानी कि आप लोगों का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। यहाँ भी आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड हैज बीन अवेलेबल ऑन 7 September 2020, यानी कि आज के दिन आप लोगों का एडमिट कार्ड अवेलेबल हुआ है। अब एडमिट कार्ड आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन कॉलम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक कर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो इसकी लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा जहाँ पे लिखा है क्लिक कर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप एक न्यू टैब पे चलेंगे, जहाँ का इंटरफेस कुछ इस टैप करेगा। तो यहाँ पे आते ही सबसे पहले आपको जो है अपना यूजर आईडी डालना होगा। जैसे आप अपना यूजर आईडी डालते हैं, यूजर आईडी के बाद आपको जो पासवर्ड आपने सेट किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो पासवर्ड यहाँ पे पुट करना होगा। और पासवर्ड डालते आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है, और लॉगिन पे क्लिक करते आपका एडमिट कार्ड आपके सामने जो डिस्प्ले हो जाएगा, वहाँ से अपना एडमिट कार्ड आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। सो गाइस, आई होप कि अभी आप लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर पाएंगे। और कोई भी परेशानी या कोई भी इशू फेस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं जरूर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसी के साथ अगर कोई जो पासवर्ड है फॉरगेट कर चुका, पासवर्ड याद ही नहीं उसे क्या है, तो उसे सिंपली फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है, यहाँ पे उसे अपना यूजर आईडी डालना होगा जो उसका यूजर आईडी था। उसके बाद सेम जो ऊपर कैप्चा दिखा दे रहा है, सेम कैप्चा उसे नीचे टाइप करना होगा। अगर ऊपर कैपिटल में तो आपको भी कैपिटल में टाइप करना है, अगर ऊपर स्मॉल में दिया हो तो आपको भी स्मॉल में टाइप करना है, यानी कि ये केस सेंसिटिव भी है। सेम जैसे ऊपर आपको दिख रहा है एज इट इज नीचे टाइप करके गाइड पासवर्ड पर क्लिक करना होगा, और आपको वहाँ से अपना जो दूसरा पासवर्ड मिल सकता है। उसी तरह आप चाहे तो पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे दिए गए। सो गाइस, आई होप कि अभी आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी, मैं चाहिए तो ये ऑफिशियल लिंक भी आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में हेल्प हुई हो, ये वीडियो से आपको जो है अपडेट हो पाए आप एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।